नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, हनी सिंह का नाम ऐसा है कि लोग उसका नाम सुन के ही झूम उठते हैं। उसके गाने इतने फेमस हैं कि लोगों को सुनने में बहुत मजा आता है। लेकिन हनी सिंह भी कभी एक ऐसा इंसान था जो हमारी तरह एक आम इंसान था। उसके पास भी कुछ नहीं था। उसने भी ज़िंदगी में बहुत ही संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करने के बाद उसने इतना बड़ा नाम कमाया। कैसे वो जीरो से हीरो बना, बहुत मुश्किल से बना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसने क्या किया अपनी ज़िंदगी में जो वो इतना बड़ा सुपरस्टार बना, किंग ऑफ इंडिया रैपिंग, मतलब कि नंबर वन रैपर है इंडिया का। उसके सामने कोई नहीं टिक सकता भाई। ये जस्सी गिल, पस्सी गिल जितने हैं सारे उसके चेले हैं भाई, हनी सिंह के चेले हैं। ठीक है, बादशाह बादशाह कुछ भी हो, ये सारे हनी सिंह के चेले हैं। तो भाई देखो, हनी सिंह ने क्या किया। हनी सिंह का प्रोड्यूसर था जो, हनी सिंह पहला बार जब गया अपना गाना लेके, तो उस प्रोड्यूसर ने उसको मना कर दिया, बोला ये गाना नहीं चलेगा। तो हनी सिंह निराश होकर, हताश होकर वापस आया, फिर दोबारा एक नया गाना लिखा, दोबारा गया, फिर दोबारा से उसके प्रोड्यूसर ने उसे मना कर दिया, बोला कि ये गाना भी नहीं चलेगा। फिर हनी सिंह तीसरी बार गया, तीसरी बार भी उसके प्रोड्यूसर ने उसको मना कर दिया। इतनी बार मना करने के बाद कोई जहर खा के मर जाएगा, लेकिन हनी सिंह अंदर से मजबूत था, कठोर था, उसने हार नहीं मानी। चौथी बार दोबारा गया, उस बार उस प्रोड्यूसर ने उसका गाना एक्सेप्ट कर लिया और वो गाना था अंग्रेजी बीट दे। अंग्रेजी बीट दे, अंग्रेजी बीट दे गाना उस प्रोड्यूसर। तो दोस्तों, अंग्रेजी बीट दे जब फेमस हुआ, उससे पहले भी हनी सिंह के बहुत से गाने थे, लेकिन उसके बाद हनी सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हिट पे हिट गाने, हिट पे हिट गाने, डोप सोप, हनी सिंह, लक 28, कुरीदा, लव डोज, भाई एक से एक हिट गाने दिए। क्यों भाई, उसके अंदर, बंदे के अंदर टैलेंट था, तभी आज वो इतना बड़ा सुपरस्टार बना। आप भी बन सकते हो, ऐसी बात नहीं है, हर आदमी बन सकता है। अंदर अपने टैलेंट को पहचानना होगा। आपके अंदर भी एक टैलेंट है, आप भी कुछ ना कुछ बन सकते हो। अपने आप में ये मत सोचो कि मैं कुछ नहीं बन सकता। दोस्त, आप भी कुछ ना कुछ बन सकते हो, मैं भी कुछ ना कुछ बन सकता हूँ। हनी सिंह बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो हार नहीं मानते और सुपरस्टार बन जाते हैं। किसी को भी आप ले लो जो बड़ा फेमस हीरो है, वो शुरुआत में उनके जेब में 20 रुपए नहीं हुआ करते थे। तो दोस्तों, आपको हनी सिंह की स्टोरी सुन के कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, बस मैं इतना चाहता हूँ, और आपको वीडियो को लाइक करना है। दूसरी स्टोरी मैं आपको शाहरुख खान की ला के दूंगा, शाहरुख खान कैसे बना इंडिया का किंग खान। ठीक है, शाहरुख खान के भी जेब में एक वक्त पे 20 रुपए नहीं थे, आज अरबों खरबों का मालिक कैसे बना। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्त। आपका दोस्त आर्यन सिंह आपके साथ है, फ्यूचर में भी आपके साथ रहेगा। आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। मुझे गर्व करिए, मैं आपको गर्व करूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, औरों को भी दिखाइए कैसे हनी सिंह बना रैप किंग ऑफ इंडिया। धन्यवाद।